वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी श्रोताओं को उदय कुमार का सादर प्रणाम है और हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को शुभ प्यार। मैं आप लोगों के बीच आज बिहुला विषहरी का लोक गाथा सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग जानते हैं कि मनसा पूजा भारत के कोने कोने में होती है। बिहुला विषहरी की कथा तो लगभग सभी जानते हैं। पुराणों के अनुसार महादेव शंकर माया तालाब सोना ग्रह में नित्य स्नान करने जाते थे। एक दिन उनकी जटा टूट गई जिससे कमल का फूल उत्पन्न हुआ और उसी से पांचों बहन विषहरी का जन्म हुआ। विषहरी पांचों बहन का नाम जैसे मैना विषहरी, बिहुला विषहरी, दिलतला भवानी, जाया विषहरी और पद्मा कुमारी, ये पांचों बहन 12 वर्ष तक कमल दह में झूमरी खेलती रही। एक दिन बासुकी नाग ने इनको दर्शन दिया और कहा कि तुम लोगों के पिता शंकर हैं। पांचों बहन शंकर के पास गई, वहां पार्वती से विवाद हो गया। अंत में इन्होंने पार्वती को नाग से दंसवा दिया, लेकिन अंत में वे पुनः जीवित हो गई। पांचों बहन ने शंकर जी से कहा कि आप मृत्यु लोक में हम सबको पूजा दिलवाइए। शंकर जी ने कहा कि जब चौपाई नगर का चांदो सौदागर पूजा दे देगा तो मृत्यु लोक में तुम लोगों की पूजा अवश्य होने लगेगी। पांचों बहनें चांदो सौदागर के पास गई, लेकिन चांदो सौदागर किसी भी रूप में पूजा देने को तैयार नहीं हुआ। पांचों बहनों ने चांदो सौदागर के छहों पुत्रों को त्रिवेणी में डुबा दिया और चांदो सौदागर की नौकाएं भी डुबा दी। अंत में बाला का जन्म हुआ। पांचों बहन ने बाला को भी मारने का षड्यंत्र रचने लगा और अंततः सफल हो गई। लेकिन बिहुला जो बाला की पत्नी थी अपने पति और छह भैंसुरों को जिला दिया और यह कहानी हम आप लोगों को लोक गाथा के आधार पर सुनाने जा रहा हूँ। महादेव का स्नान। अरे राम राम सुमरन हो करिए राम जी के नाम हो। अरे बाम से दाहिना गे दुर्गा राही है सहाय गे माया। अरे
बता भय गेली तैयार रहे माया। रुचि म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो तारापुर। म्यूजिक बाय दीपक सिंह। विषहरी का जन्म और प्रथमा जाना मले जाया भी सहरी है माया। सोनिका के गर्भ से बाला का जन्म और इंद्र साना में टुआ है गैबा मृत्यु भुवन आयल है और चांदवा आवास है बिसहरी लेला बिसराम है माया। और सोनिका के गर्भ जे छाई बाला लखिंदर है और सात ही महीना है सोनिका साधरो खाइल है माया। माया
रुचि म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो तारापुर। और बाला के जनम भेल चौपाई नागा रहे, और रवि दिन आवै रे बाला मारना तोहर हे माया, और बिहराती आवै रे बाला आन सुख भेल हे, और छाव भेलै हे माया। म्यूजिक बाय दीपक सिंह। रिकॉर्डिंग स्टूडियो तारापुर। मानिको साहुनी के गर्भ से बिहुला का जन्म, और छाव तो महीना के बिहुला मानिको गर्भ छाली के, और पानी जाकर चले रे दैवा शंख साऊ दागर माया, और शाम देला गलर बनिया माया।
के लई गे माया और बाबा के दुलारी के बिहुला दूर कनिया के लई गे और पाचमा बरस के बिहुला बानवी के लई गे माया और सात माँ परस बिहुला पानोनी खेलाई गे और माई के दुलारी के बिहुला गीतवा गाए गे माया और भाई के दुलारी के बिहुला धूरवा खेलाई गे और बिहुला के अवर माया अब बाला शादी के लायक हुआ तो उसने ब्राह्मणों को याद किया। यह जानकर पांचों बहन खुश हुई और देवी विषहरी ब्राह्मण का रूप बनाकर उसके पास गई और बोली कि मैं अभी उसकी शादी ठीक करूंगा। चांदो सौदागर ने स्वीकार कर लिया और विषहरी सहित सभी ब्राह्मण चल पड़े। थोड़े दिनों के बाद लौट आया और पत्राचार खोल कर बोला कि बाला के लायक कन्या नहीं मिलती है। तुम ऐसा करो कि कोहबर के लिए लोहा बांस का घर बनवाओ और फिर छवो घाटी पोखरा जाओ। वहां देश देश की कन्या नहाने आती है। उनमें जिनका सब देखना उसी से बाला की शादी करना। इस प्रकार पांचों बहनों ने चांदो सौदागर को बहकाया और फिर बासु सौदागर के घर पर बिहुला को उचाट हुआ और वहीं पोखरा गई जहां चांदो सौदागर भी पहुंचा था। वहां बिहुला का सत देखकर चांदो प्रसन्न हो गया और बाला से शादी के लिए तैयार हो गया। विषहरी का चौपाई नगर जाना और चाली बारू भैली विषहरी चौपाई नागारा है और जाए काजू माली है विषहरी चांदवा आवास है माला और पांचों तो बहिनी है विषहरी देले दारा साना है और पूजाऊं पूजाऊं रे बनिया देवी विषहरी है माया। विषहरी है
काज संग ले लावा तारा है माया। रुचि म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो तारापुर। और कामला के दहर बनिया झूमरी खेला लारे और धारम के बापज पूकी स्वर महादेव है माया। और राजा हो तो हर बतिया ले ले आवा तार है और मृत तो भैल सारा तारा है माया। म्यूजिक बाय दीपक सिंह। रुचि म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो तारापुर। और जाए तो झूमली है बिसहरी सोना पूरा घाट है और पांचो तो बाहिनी है बिसहरी सोना पूरा घाट है माया। और पूजा लाए आवे रे चांदो बाड़ा दुख विवाद रे और तोरे मोरे आवे रे चांदो लागल विवाद है माया। अब बाला लखिंदर और बिहुला का शादी की तैयारी यहां से शुरू होती है। म्यूजिक बाय दीपक सिंह। बाला लखिंदर का शादी के लिए बरियात तैयार करता है। और साज तोला गलर बनिया बाला के बरियात रे और बनिया चांदो साऊ दागर माया। और आए तो झूमली है माता मैना भी सहारी है और बोल तो लागल है माता चांदो से जवाब
माया। चांदो सौदागर वासु सौदागर के यहाँ उज्जैन नगर पहुंचता है। यहाँ से मड़वा का गीत शुरू होता है। म्यूजिक बाय दीपक सिंह। और दूल्हा चुमाया गे मानी को माला बाबई सौले गे विसहरी माड़वाही ठाड़ी है माया। और वेद जे पढ़े है माता मैं नबी सहरी है और दान जे दे हलो बासु देव तोला गला है माया। रिकॉर्डिंग स्टूडियो तारापुर। और तिल पूछू लिए रे बासु कार कन्या दान रे और हाथ हाथ बिहुला रे बानी यावा के सौ पल रे माया। की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अब इसे मोनिका चुमा करके कोहबर में ले जाती है। म्यूजिक बाय दीपक सिंह।
ओरे दूल्हा चुमाय गे मोनी को कोहवर जब गैले ओरे कोहवर देखे दैवा नाग जे भरल है माया ओरे कार जोड़ी बिनती रे कार मान की साहूनी के ओरे और जाए तो जू माली है माता दोहा घर के पास है और रांझा काटल है माता नाग मानिया रहे माया और बिजुली चमक है माता धक्का मारी देल है और घर है माया और लोहा पास के घर रे नागा ऐठा तो लागल रे देवी मैं नबी सहरी है माया और जल दी डंसावर नागा बाला लखिंदार रे और एतना सुनिए रे नागा दाई छै जवाब रे माया और बीनु अपराधा है माता हामना डंसावा है और सुनहु रे डिंगरा नाग मानिया रहे माया और गोड़ थारी जाय रे नागा यो बैठा बरे और सोन के नागा नारायण तेल है माया
तोरे आंगे ठीकर करे बाला नागा के चोट लागल है और ताबे तो अपन रे नागा भय गेले तैयार है माया और साखी राखे ले रे नागा इंद्र देव के लोगर और देवी के हुकुम है देवलोक बाला के डंग सब है माया। रुचि म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो तारापुर। सभेरे नागा रोदना कर ले है और सपना डम सलर दैवा चोर बाका है बेरे माया और चौकी उठल रे दैवा बाला लखिंदर रे और उठ के बैठल है बाला रोधना कराय रे माया। बाला लखिंदर को नाग मनियार के द्वारा डसने के बाद बाला का मूर्छा होना। ओरे राम राम कही रे बाला घूमनी गिराई रे ओरे चाऊ की उठल है कन्या बिहुला भागी है माया और कौन तो भी से सर दैवा पिया राशि झबोले रे और घाव जे बसल के कन्या बिहुला तो अभागी है माया। और कान्या के देखिए रे बाला
पीले भी धल के माया। रुचि म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो तारापुर। थोड़ा पारा मन के कन्या भी सया चढ़ा लगे और आगिना समान कन्या भी समोर लहर है माया। और एक मुठी रसोई के कन्या करबे तैयार के और कन्या एतना पाय बह माया। और एतना सुनिए रे दैवा भी उला आभागिरे और मान माना आवे के कन्या राजाईले उपाय रे माया। और लाहरा पाटोर के कन्या झारी के पीटल के और मानिका दियार के कन्या देल छै जराई के माया। जब बिहुला रसोई बनाकर बाला को खिला पिला दिया तो वह बाला ने रोम रोम प्राण को तज दिया। यह देखकर बिहुला व्याकुल होकर रोने लगी। जिसे सुनकर उसकी सास सोनिका वहां आई और बिहुला को बुरा भला कहने लगी। तब बिहुला ने नागा को दिखाकर कहा कि देखिए इसी ने आपके बेटे को काटा। यह खबर सोनिका ने अपने पति चांदो सौदागर को दी। चांदो सौदागर यह सुनकर बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी से मछली भात बनाने को कहा। चांदो सौदागर मछली भात खाने के बाद डोमरा को बुलाने बाला को नदी में फेंक दिया जाए, लेकिन बिहुला ने ऐसा नहीं करने दिया और डोमड़ा को अपने घर जाने को वापस कहा। इसके बाद बिहुला ने बांस का चचरी बना करके बाला को उस पर लिटा दिया। लिटाने के बाद बिहुला खुद उस चांच पर बैठ गई और अपने पति को लेकर के गंगा में चलने लगी। चलते चलते बिहुला ने छह घाट पार किया। छह घाट का नाम इस प्रकार है: सेमापुर घाट, गोदा सैनी घाट, बोचा सैनी घाट, चौकी सैनी घाट, जुआरी घाट, गलतंत्री घाट और अंत में नेतुला घाट, जहां नेतुला नाम की धोबी अपने पति को मारकर उसका खंभा बनाता था और अपने पुत्र को मारकर उसका पाट बनाता था। उसी पाट पर इंद्रासन का दिन भर वो कपड़ा धोती थी। उसके बाद फिर पति और पुत्र को जीवित करके फिर पुनः वापस घर चल जाती थी। उसके बाद एक दिन बिहुला से उसी घाट पर भेंट होती है। नेतुला धोबिन से मुलाकात हुई और नेतुला धोबिन ने उसे उपाय बताया। तब बिहुला ने
अपने पति को लेकर के देवताओं के पास गया और देवताओं से सब करवाया। म्यूजिक बाय दीपक सिंह। और एक साथ कराई है देवता धारती आकाश है, और दूसर साथ जकार आवे चारों युग राजा है माया। और साथ से बांध लगे बिहुला 33 कोटि देव है, और उसके बाद बिहुला ने देवताओं से दान मांगा। और साथ जे कराए गे बिहुला मांगे महा दान गे, और प्रथम लागल गे बिहुला छाओ खानी भय सुरगे माया। और साप तो मांगाए गे बिहुला छाओ पोरी गई लगे, और और सात साऊ दागर है बेटा देवता हमारा जे स्वामी है माया। और सर्प के डंसल जे स्वामी देहो जीवन दान है, और साप तो संपत है देवता मोर देहो पलटाया है माया। नेतिला धोबिन से बाला का हार को जोड़वाना। और तो ही वारू आबेगे नेतुला हार जे जोड़ावेगे, और हार जोड़े लगाली रे दैवा नेतुला धोबिन है माया। और हाथ जोड़ी आबे गे ने तुला कैल के तैयार गे, और हाथ जोड़ी आबे गे ने तुला कैल के तैयार गे माया। म्यूजिक बाय दीपक सिंह। अब नेतला धोबी हाड़ जोड़ने के लिए बालक का तैयार शुरू कर देती है। उसके बाद बालक को जीवन दान मिलती है। और झाड़ जेला गली है माता मैना भी सहारी है, और पोरे पोरे झाड़ली है माता बाह भी सलहर है माया। चालती बन मारे है दैवा ने तुला धोबी नरे, और बीस चाली दिल रे ने तुला सी रही चढ़ाय गे माया। रुचि म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो तारापुर। Oh!
ओरे झाड़े तोला गलर दैबाने तुला धोबी ओरे धोबिया झाड़ा नजर ले दैबाने तुला धोबी नगे माया झाड़ी आबेग ने तुला कैल के तैयारी गे और अमृता छीटल है देवता तैतीस कोटि देव हे माया और जय जय कर हे देवता सकल देव के लोग हे और बालक जियल हे माता मैं नबी सहरी हे माया म्यूजिक बाय दीपक सिंह बिहुला ने अपने छाओ भैंसुरों और पति को जिला लेने में सफलता प्राप्त कर ली। यही नहीं, त्रिवेणी में जितने मल्लाह हुए थे सब जी गए जब बिहुला ने सातों सौदागर के हाथ से माताओं का पूजा देने के लिए कहा तो उन्होंने कहा हम लोग यहाँ पूजा नहीं लेंगे। पूजा तो चौपाई नगर में चांदो सौदागर देगा तभी लेंगे। इसके बाद सातों सौदागर ने बिहुला की शक्ति परीक्षा ली। एक कड़ाहे में गर्म घी को किया गया और उसी गर्म घी में बिहुला को जलाया गया। घी तो जल गया लेकिन बिहुला बच गई। इस प्रकार बिहुला निर्दोष निकली और सबको लेकर चौपाई नगर की ओर चल पड़ी। जब नौका ने दूल्हा घाट पहुंची तो बिहुला ने नौका रुकवा दी और बाला लखिंदर को बताया कि यहाँ पर नेतुला अपने पति को मारकर फूटा और पुत्र को मारकर पाट बनाती थी और दिन भर इंद्रासन का कपड़ा धोती थी। शाम को चलते समय दोनों को जिला लेती थी। वह बड़ी सत्वंती थी, उसको कुछ पुरस्कार दिया जाए। बाला ने उसे पुरस्कार दिया। वहां से फिर नौका गलतंत्री घाट चला गया और वहां भी बिहुला ने बताया कि किस प्रकार वहां जाने पर सब कुछ गलने लगा और आप भी गल गए। केवल आपका हाड़ बाकी रह गया था। इसी प्रकार शंखा सौदागर घाट और जुआरी घाट का हाल समझाती गई। जुआरी घाट पर सातों सौदागर को बिहुला के चेहरे पर संदेह हुआ और उन्होंने
उसे नदी में गिरा दिया, लेकिन बिहुला नहीं मरी क्योंकि सतवंती थी। हार कर उसे फिर नाव पर चढ़ाया और नाव वहां से जोका घाट पहुंचा। जोका घाट जाने के बाद बिहुला अपने पति और भैसुर सभी को लेकर के चांदो सौदागर के यहाँ आया और चांदो सौदागर को विषहरी का पूजन देने के लिए मनाया गया। विषहरी का पूजन देने के लिए चांदो सौदागर इनकार करते रहा। अंत में चांदो सौदागर ने कहा कि ठीक है, जब कहती है आप तो हम पूजा देंगे, लेकिन हम विषहरी को बाएं हाथ से ही पूजा देंगे। तो भी विषहरी माँ बोली कि ठीक है, हमें पूजा चाहिए, चाहे जिस हाथ से दो। उसी प्रकार चांदो सौदागर ने बाया हाथ से ही विषहरी को पूजा दे करके प्रसन्न किया।